हाँ जी, फाइनली टैचे टूचे सारे पैक हो रहे हैं क्योंकि टाइम आ गया है हिंदुस्तान निकलने का। बस हमारी फ्लाइट है, सीधा मॉन्ट्रियाल से निकलेंगे और चलेंगे हिंदुस्तान। वहाँ हमारे भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका सारा सामान भी अरेंज हो गया, जाते हैं और उनसे मिलते हैं। और रास्ते में आपको दिखाते हैं ऐसी एक फ्लाइट टिकट जो मैंने जिंदगी में आज तक अभी जिसके ऊपर सफर नहीं किया, ना मैंने ना मम्मी ने, पहली बार कर रहे हैं। मैंने इतनी मेहनत से इस बैग में सामान ठूस के इसको बंद किया था, इसको पता नहीं था। मम्मी ने कहा एक शॉल और डाल दे, खोल दिया। अब 15 मिनट से जूझ रहा है उससे, जगह थी नहीं उसमें। 2 मिनट लगे, ऐसे ही कर दिया मैंने, तुम बस उठा के बस ठूसा सामान सारे इसके अंदर तो तरीके से लगाया, जगह जगह बन गई। उसमें 2-3 और चीजें और आ जाएंगी। जो चीज डालने को कही थी वो डली, मम्मी ने उठा के ऊपर ही रख दी। फिर शॉल डालने के लिए कहा था, इतने में भाभी जी ने कहा कि आपको फ्लाइट में ठंड लग गई तो क्या करोगे? कहते अच्छा ठीक है, शॉल वापस दोबारा बंद करो। गाड़ी उन्होंने शिफ्टिंग करी है ना बहुत दिन, तो कूड़ा काटरा बड़ा इकट्ठा हुआ हुआ है। तो सबसे पहले वो सारा कुछ सामान खाली करता हूँ ताकि इतने डालने की जगह बने, क्योंकि आपको पता सिविक में वैसे डिक्की छोटी है। खाली करो, थोड़ा गंद वंद निकाल दो, गर्म कर थोड़ी गाड़ी। हाँ ठीक है, देखें जरा क्या सिचुएशन है डिक्की की। ओह, हमारा एयर फ्राई जो है तो सेंट्रल लेके जा रही है, इसको पीछे रिक्वायरमेंट होगी। डिक्की हमने पूरी खाली कर दिया भाई, लेट्स मेक व्हाटएवर द बेस्ट वी कैन मेक आउट ऑफ दिस लिमिटेड स्पेस। ओके, क्योंकि नीचे भी नहीं हो सकती, मम्मी ने पीछे बैठना है, पीछे तो सेंट्रल बैठ जाएगी, मैं बैठ जाऊंगा। बस यही जगह है, हमारे पास बैग बहुत है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। टारगेट ये है कि इस तरीके से अगर ये 2 आ गए ना पीछे पीछे डालते, सेंटर कह रही है क्योंकि इसको हमने दे रखी है राइट के, भाई आप डिसाइड करो बेस्ट तरीका क्या होगा। मैडम कह रही है कि 2 बड़े सूटकेस यहीं चढ़ा दो, एक के ऊपर एक, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। लाइक दिस चेंज हो गया, वो कह रही है लंबे डालो व्हील्स इस तरह, दो नहीं हो सकते अंदर, मैं उधर से करता हूं ताकि इसकी प्लेसमेंट सही हो। हाउ मच स्पेस विल मम्मी हैव? ये तो आगे सीट में झुकेगी, टाइट हो गया, पूरा धकेल के देख, यहाँ तो पहिए अंदर घुसे हुए पूरे। खसोखा इसको जगह पे लॉक किया है, और दूसरा बैग सीट। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट प्लेसमेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आगे बस बैठने वाला दिखना पड़ेगा, थोड़ा सीधा होकर बैठना पड़ेगा, पर हो जाएगा। हाँ जी, 2 सूट के सो किस तरह यहाँ डल गए हैं, बाकी जैसे तैसे करके ठूस ठास ही दिया सामान। फाइनली निकालना पड़ गया, हमने किस तरीके से ठूस दिया था, क्योंकि वो जगह अब लेगा मेरा हेलमेट, क्योंकि भाई हेलमेट जरूरी है। आपको आगे पता लगेगा कि हमारे क्या प्लान है उसके। बाय बाय। ओके भाभी जी, व्लॉगर्स मीट। चलिए दीपा जी, चल तू अंदर जा, चल तू अंदर जा। जैकेट पहनी हुई है भाभी जी ने, कोई बात नहीं, आ जाओ। ओहो, पेट्रोल बिल्कुल एम्प्टी, 0। और जी मम्मी कह रही मेरे को थोड़ी सी सर दर्द शुरू हो गई है, सुबह से उठे मैं तो मम्मी को तो अपना जो है 2 क्रीम 1 शुगर लगा के दी है। वैसे एयरपोर्ट पे मिल जाती मगर तब तक आपको आराम आ जाएगा, है ना, 1.5 घंटे का रास्ता और बचा है। एक स्टॉप हमारा और है, ग्यूम आ रहा है क्योंकि उसको हमने कुछ सामान रखवाना है, कुछ सामान उससे लेना है, तो ग्यूम भाई से मिलके फिर हम चलेंगे। मैडम की भी पीपी ब्रेक हो गई। ओके, लेट्स गो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग द लगेज, आई होप टू सी यू सून। You take a good care of yourself and you, continue your gym. And you? And I go join the gym. You go join the gym? Yeah. एक तो मम्मी जड़ा बंदा, anyone who's losing weight, है ना, he starts seeing everyone as fat. जो बंदा जिसका वेट गिर रहा होता है ना, वो उसको बाकी सारे मोटे लगते हैं। Okay, okay, I am fat. Have a good flight. Thank you so much, brother. Thank you. Bye, take a good care of yourself, okay? चलो, bye bye. इसमें सारा खाने का सौदा है, एक स्लाइस भी ले ली थी बची, वो भी डाली। एयर फ्रांस का डिपार्चर जो हमने आज फ्लाइट लेनी, और हम जा रहे हैं प्रीमियम इकोनॉमी टिकट पे, ना बिजनेस क्लास ना इकोनॉमी, बीच में आती है प्रीमियम इकोनॉमी। पहली बार इतनी घटिया सर्विस देखी है एयर फ्रांस, मतलब मम्मी की कमर पे वो बंधी हुई है, ज्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती, तो उनको कहते हैं कि भैया स्पेशल असिस्टेंस की कोई अलग लाइन ही नहीं है, जबकि वहां पे जो व्हील चेयर पे आए थे उनको अलग पहले लाइन दे दी है, मगर जो खड़ा हो सकता है इतना, जिसने एयरपोर्ट से व्हीलचेयर रिक्वेस्ट किया, मतलब आप लगा लो कि यहाँ से लेके अंदर तक सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, उनके लिए लाइन सेम है, जस्ट लाइक रेगुलर
लाए। कहते अपनी मदर को बोलो कहीं खड़े हो जाए साइड पे। मैंने कहा खड़े ही तो नहीं हो सकते ज्यादा देर। तो फिर कहते फिर वहां पे किसी की कुर्सी पड़ी थी, मैंने कहा वहां बैठो कोई नहीं मैं ले जाता हूँ सूटकेस। अब जी बिजनेस क्लास की जो टिकट होती है ना वो इकोनॉमी के मुकाबले तकरीबन 3 से 5 गुना महंगी होती है, और प्रीमियम इकोनॉमी जो बीच में आती है तो वो होती है तकरीबन 1.5 से 2.5 टाइम्स एक्सपेंसिव कुछ भी। मगर मेरे पास इतने पॉइंट पड़े हुए थे लॉयल्टी पॉइंट कि मैं अपनी इकोनॉमी की टिकट को अपग्रेड करा सकता था, या एक बिजनेस क्लास में या फिर 2 प्रीमियम इकोनॉमी में। तो अब हम दोनों जा रहे हैं, मैंने प्रीमियम इकोनॉमी ले ली, थोड़ा आराम हो जाएगा। मैंने आज तक अभी ट्राई भी नहीं करी है कि कैसे होती है, तो इसलिए हम दोनों जरा चेक कर लेंगे, कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे थोड़ा एज कम्पेयर्ड। व्हील चेयर के बाद मम्मी को तो गोल्फ कार्ट पे मूव कर दिया क्योंकि बहुत दूर था गेट, और मेरे लिए भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि व्हील चेयर जो है ना वो ये जो ऑटोमेटिक वॉकवे होते हैं ना इन पे अलाउड नहीं होती, तो पूरा चल के जाना पड़ता मुझे। मम्मी का तो कुछ शुरू हो गया। हाँ जी क्या चल रहा है? भूख लगी। पराठे और आलू की सब्जी, वाह वाह, डोसे वाली आलू की सब्जी पैक करी है आपने तो यार, यार बताया नहीं आपने ये वाली सब्जी मिलाई हो। ये तो मैं खा लूंगा बिरयानी के साथ, बढ़िया वैसे से आलू की सब्जी का जो है ना वो स्वाद नहीं आता, मगर सफर में जो है ना आलू हो या मसाले वाले सूखे छोले थोड़ा नींबू डाल के प्याज काट के उसका फ्लेवर अलग ही है, वैसे सफर की वाइब आ जाती है। ये है प्रीमियम इकोनॉमी, ये तो 2-4-2 वाली है, उतनी खुली भी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एनीवेज हम साथ साथ नहीं है क्योंकि ये वाली एक ये 6 है कि नहीं है, देखो चेक करो। ओहो गलत में आ गए, वो अपनी पीछे वाली, क्योंकि अपने वो ना बेस्ट ये आगे वाली मिल जाए, इसमें स्पेस बहुत होता है, तो ये नहीं मिली, ये है 6A अपनी है और 7D अपनी है, यानी कि ये तो हम जो यहाँ बैठेगा ना ये वाली जो यहाँ बैठेगा उससे अल्टी पल्टी कर लेंगे बाद में, ठीक है। आओ अपनी कुर्सी पे आप कंफर्टेबल हो जाओ, देखे जरा फीचर्स क्या क्या है, हो सकता है यहाँ में से तो कोई बैठा है, ये सीट बुक्ड थी मैंने चेक किया था सीट लेते हुए ना। हाँ हेडफोन देखे कैसे है, हाँ हेडफोन भी बढ़िया मम्मी, नॉइस कैंसलेशन वाले। लो आप कहते ना गरम कर ला पानी, क्योंकि पानी बड़ा ठंडा मिलता है, कम से कम पानी लगा हुआ है यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल बोतल, कोसा है मतलब रूम टेम्परेचर पे, वो फ्रिज वाला ठंडा नहीं है ना यार जो डिस्पेंसर में से निकलता है। देखें जरा रिक्लाइन कितनी होती है, जरा पीछे को जोर लगाना, हाँ रिक्लाइन करो रिक्लाइन, पीछे को जोर लगाओ, जा रही है कुछ आगे, अब करो नहीं आ गई है, पर वो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ना पैर पे चोट लगी हुई है, तो इसलिए वैसे तो सीट सेम ही है कोई फर्क पड़ता नहीं इतना, बट फिर हमने कहा कि यार चलो उनकी चॉइस है तो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि मैडम का जो टूटा वाला पैर है ना वो अंदर की तरफ हो गया है, वो इधर आती तो उनका बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता जो इंजर्ड वाला पैर है, किसी का पैर लग सकता। यहाँ पे जो भाई साहब बैठे थे वो मान गए, वो उधर चले गए तो हम साथ गए, चल उधर खुली सीट मिल गई उनको। हाँ अभी याद है पर्स ऊपर रख दिया, दूसरा चश्मा पर्स में का डब्बे में, अच्छा भी निकाल। आगे एक और बंदा वही शवरमा खा रहा जो मैं पैक करा के लाया हूँ उसी ब्रांड का बुस्तान, कटो चश्मा बड़ा एक चीज बढ़िया चीज और तुझे दिखा दे, बढ़िया चीज दिखा, डिबिया बना के लाए हो नारदाने की गोली, ये बड़ी एसिडिटी बचाएगी। ये देखो कि ये बाहर कैसे आ रही है, ये जो लेग सपोर्ट है इसमें ये कैसे बाहर आता है देखना पड़ेगा। ओ आ गया इतना ही है, देखो मम्मी अकेले जब भी अकेले जाती है ना कभी ये चलाती नहीं है, क्योंकि चलाती हूं चलाते हैं शुरू शुरू से नहीं चलाते हैं। चलो अभी चला के दिखाओ, चलो चलाओ। ओहो चश्मा तो बदलो यार, इंग्लिश हाँ चलो चलाओ। हाँ चलो मैं चलाओ, हम तो भूल गए कि आपने अपना जो है एंटरटेनमेंट खोलने दी। अरे वाईफाई छोड़ो अब, ये वाईफाई फ्री में नहीं मिलता, लिमिटेड होता है, आप चलाओ टीवी चलाओ। अच्छा चश्मा, ओहो अभी बदलना है, सॉरी। चलो बेसिक कंसेप्ट मेरे को समझ आ गया, सारी सारी मूवीज इसमें देखो कोई बॉलीवुड है इंडियन, ये रहा बॉलीवुड, दूसरे में पहले नंबर पे ही है। हाँ ए भी है ना, तो बी हो गया ना। अरे बॉलीवुड के दो ही हैं, ये क्या है कोलाई, ये क्या है और वैसु, ये कौन सी पिक्चर है भाई? मैंने ढूंढ के अपना इंडियाना जोन्स निकाल लिया, बढ़िया। हाँ ठीक है सर, ना इससे दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। आपको दूर पीछे हो जाओगे तो ये दूर हो जाएगा, चश्मे से देखेगा नजदीक आके जाएगा, तो फिर आप एक काम करना, आप जो अपना आईपैड लेके आए हो ना इसको ऐसे खोल के ये यहाँ टिका लेना, इसको वो नहीं निकलता
आईपैड पे देखो आप, ऐसे देखना पड़ेगा ऐसे ही। हाँ अभी लिया, इसमें देखते हैं अभी क्या है। और एक ये वाइप, और वो चेक जरा क्या क्या है आपके इसमें। आई मास्क, जुराबे, टूथब्रश। माता ये जो अपना पिछले भर के लगी है अपना बढ़िया हेडफोन हो गए, यहाँ से जो है ना इनको सिर में दर्द नहीं होगा। मम्मी कुछ पेठे वाला वेजिटेरियन है आपके लिए वेज मांगा था, बाकी सलाद वगैरह ठीक है ना, क्योंकि भैया थोड़ा आपको बताइए वैसा उतना खाना। मम्मी पराठे खा चुकी है, मेरा चिकन है बड़ा व्हाइट क्रीम वाला चिकन है और साथ में पोटैटो है। आपको चलो फिर कम से कम सब्जी तो है। मैं तो आलू चिपका दिया साथ में मैच पोटैटो चिकन खाते ना। ये चिकन है ना ये। मेरा पासपोर्ट तेरे पास ही है? हाँ पासपोर्ट मेरे पास ही है। चलो मैंने सारी फ्लाइट माता जी को व्हील चेयर में बिठा दिया, बस अभी यहाँ से निकलेंगे। बारिश हो रही है, चलो इस शटल में जाएंगे वरना लोग बस में जाते हैं, तो इसमें व्हील चेयर के साथ ये वाली मिली है। हाँ जी फाइनली पहुंच गए जी पेरिस एयरपोर्ट, और बड़ा सुंदर बना हुआ मम्मी, बहुत सुंदर है। बाकी सीट का ये था कि अगर 1.5 टाइम कॉस्ट है तो 1.5 टाइम ही कंफर्ट था, ये नहीं था कि हम कहेंगे कि बड़ा अब लेग रूम चौड़ा हो, सीट खुली हो, हाथ तो आपके ठुड्डे टकरा नहीं रहे। अरे नहीं वो तो लाइन भी तो चार वाली थी, अगली वाली में दो तीन दो वाली, मम्मी कहती मेरे को दो चार दो में बिठाया, इतना फर्क नहीं महसूस हुआ। अगली वाली में शायद आपको हो, ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था पर चौड़ाई तो सीट की उतनी ही होती है, पर नहीं खुला फिर भी लग रहा था। खुला था कंफर्टेबल, प्लेन बड़ा था इसलिए मैं तो दो घंटे सोया, बड़ी ऊंची लग रही थी। हाँ अब चलो अगली में देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, रिक्लाइन वगैरह अगली में चेंज होती है कि नहीं होती है आपको दिखाते हैं, क्योंकि नीचे ना इसमें फुटरेस्ट निकलता, पैर बंदा टिकालता थोड़ा आराम हो जाता। बाहर तो ठंड होगी, बाहर तो ठंड है पर अंदर अंदर पता ही नहीं लगता। यहाँ से मम्मी इस वाले में लेफ्ट होना है आपने, सीधा नहीं जाना। हाँ जी माता जी, इसमें दो तीन दो है मगर ये फिर एयरक्राफ्ट भी थोड़ा छोटा वाला है, क्योंकि पीछे भी कोने में दो चार दो है। पर सीट की चौड़ाई उतनी है, मगर बेस्ट इसमें ना मैंने आगे वाले करा लिया, खुले जाओगे आराम से, वही फ्रंट का लेग रूम ज्यादा होता है ना, मगर यहाँ भी बीच में कोई बैठा है, मैं इधर ये मैंने इसलिए ले ली क्योंकि आगे आगे वाली सीट में मिल रही थी अलग अलग, क्योंकि बीच वाला बाहर आने को तो मना करेगा नहीं, बाहर वाला बीच में आने में मना का नहीं करेगा। लेग रूम बढ़िया हो गया मम्मी, इसमें इसको सीट को पीछे कैसे हो गई है, हो गई होगी, रुको ये बटन का इसको हाँ जोर लगाओ, हाँ ये पैर में भी होगा, रुको ये आ गया ऊपर, पैर ऊपर करो अपने, इतना ही आता है, इतना बेकार है अंदर करो, हाथ से करता हूँ बस, टेक ऑफ के टाइम तो वैसे भी अंदर करवाएंगे ये चेक करने के लिए। ये वाला बटन दबाओ, जितनी चाहिए उतनी करो ना, लो ठीक है। इसके अंदर जो है ना ट्रैक पैड डाल रखा है इन्होंने, ताकि इसको अगर ऐसे लेफ्ट राइट करो तो कर्सर आता है ऊपर, क्योंकि दूर ही इतना। मम्मी बड़ी खुश है, मम्मी कह रही डिस्टेंस इतना होगा कि मेरे को दूर के चश्मे से इस बार फ्लाइट में सही नजर आएगा, उधर ना मम्मी तीन में थी ना तेरा, मगर उसको छुओगे कैसे, उसके लिए रिमोट ये वाला है, ये नहीं इधर कहीं है, ये लो इससे ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ उधर कर्सर हिलेगा, ठीक है। दो एपिसोड बचे हैं, अच्छा दो एपिसोड बाकी हैं, ठीक है ना। पूरी फ्लाइट में हिंदी भाषा की कितनी मूवी है, ऑडियो हिंदी एक है, एक तो हिंदी की सिर्फ एक मूवी, बाकी बॉलीवुड का फिल्टर लगाओ तो साउथ इंडियन मूवी आ जाती है, मगर इतनी दूर बैठने का एक इशू ये हो गया कि जो तार है ना जिससे मैं अपना हेडफोन कनेक्ट करता हूँ ये वहाँ से यहाँ तक आएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पीछे दिया हुआ है कि इसमें लगाया है, इसमें स्टैटिक की थोड़ी आवाज़ आती है, पर चलो इंडियन वेज मांगा ये क्या है, आधी पकी पूड़ी है चावल। मम्मी को तो मैं बेल्ट पे छोड़ा है, मगर आया ड्यूटी से दारू लेके जानी पड़ेगी ना, फोन बहुत आ गए। चलो जी फाइनली निकल आए। हाँ जी माता जी स्वागत है फिर से देश में वापस। हाँ। आप कितने महीने बाद आए हो? मैं 11 महीने बाद, 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। लो जी आज हम आए हैं तो कल परसों ही बारिश हुई है, पोल्यूशन है मगर उतनी नहीं है जितनी कुछ 4-5 दिन पहले थी, अभी बारिश हुई है और मौसम भी क्लियर था बारिश की वजह से, तो फॉग नहीं थी तो हम अच्छे से हाँ कम्फर्टेबली लैंड कर गए।
अब बस ये देखना है कि नीचे अराइवल खोला है कि नहीं खोला इन्होंने बाहर की गाड़ियों का। कहीं अगर टैक्सी ओनली हुआ तो हमें तो चल के जाना पड़ेगा बहुत वहां तक। भाई ठंड फील हो रही है, हुडी पहनी हुई है, मगर आपको भी लग रही है क्या? मम्मी की जैकेट बढ़िया है, कनाडा वाली जैकेट है, उसमें चल जाएगा। अच्छा वार्मर पहन रखा है मम्मी ने। बाकी अमित भाई आ रहे हैं लेने के लिए। अमित भाई लास्ट तक जब हम आए थे तो उनकी जॉब चल रही थी तो वहाँ आ नहीं पाए थे, आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट में पहुँच गए हैं। पहले कह देना आप वहीं पहुँचो हमारे। हाँ माता जी। हाँ जी। फिर खाने पीने का करना है? खाने पीने का सोचो क्या करना है, घर में तो कुछ नहीं होगा। एक तुम्हारी गाड़ी की लाइट फेल है तो फोन की लाइट से काम चल रहा है। कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, आपको भूख लगी है? लग गई होगी तो लगी। ठीक है। हाँ जी फाइनली आगमन हो गया है जी घर के अंदर। थोड़ी सीलन हल्की हल्की टाइप लग रही है, बारिश है बहुत। बाकी दीदी जो है सारा सामान अपना साथ में चकना चुकना रही है और सब्जियां रख गई है, तो धनिया पुदीना टमाटर पानी की बोतल लो, आपके लिए चाय भी रख गई है दीदी। तो मेरा भी एकदम सेट है, एयर फिल्टर ये रहा, नहीं चल रहा है। इसकी भी अगर मिट्टी वट्टी साफ करवाता हूँ बढ़िया। 59% रिमेन। फाइनली आगमन हो गया जी हिंदुस्तान में। प्रीमियम इकोनॉमी आप ये लगा लो कि ऐसा था कि अगर हम तीन लोग आ रहे हो इतना, मैं मम्मी और सैंडर, और हमको तीन वाली सीट कट्ठे मिल जाती कि भी साथ में किसी से ठुड्डे नहीं बज रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं गिर रहे हो, मुँह खोल के बंदा खराटे मार सकता है, तो उस केस में प्राइवेसी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, तो मैं इकोनॉमी ही प्रेफर करता। मगर 14 घंटे की फ्लाइट में अगर हॉल्ट बीच में आ जाए, और हम दो लोग थे तो इसलिए पॉइंट्स भी पड़े हुए थे, तो ये चीज़ उस केस में सूट करती है। और तीन इसलिए नहीं है क्योंकि इसी से ये बात याद आती है सैंड्रा की, तो सैंड्रा के ना आने का मेन रीज़न तो ये है कि एक तो उसका अपना काम करियर, प्लस दो तीन चीज़ें और भी हैं, उसको थोड़े भाई के साथ कुछ काम भी निपटाने थे, प्लस मॉन्ट्रियल में उसने प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है, और अगर जो है हमारा फाइनली घर का जो इन प्रोसेस है और 5-7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, वो काम पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे वो हो, तो फिर वो मॉन्ट्रियल में, जब तक हम यहाँ हैं हमारे लिए कुछ ऐसा घर देखेगी जो हम जब वहाँ ना हो तो उसको रेंट कर